आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मुख्यमंत्री ने काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए, सीएम ने काशी विश्वनाथ के भी दर्शन किए। अयोध्या के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आजम खान के हेट स्पीच केस में आज होगी सुनवाई, लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज हुआ था केस। अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र का मामला कोर्ट में, अब्दुल्ला आजम खान देंगे सफाई। आज दोपहर इस्तीफा दे सकते हैं ब्रिज भूषण शरण सिंह, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। G20 समिट को लेकर आगरा प्रशासन ने तैयारियां बेहद स्तर पर शुरू कर दी हैं। विदेशी मेहमानों की आगमन के लिए ताज नगरी पूरी तरह से तैयार है। विदेशी मेहमान समिट के जरिए ब्रजलोक की परंपरागत और संस्कृति से रूबरू होंगे। दरअसल 85% GDP ग्रोथ के ऊपर के बीच में 20 देशों का ग्रुप G20 के नाम से जाना जाता है। ताजनगरी में आगरा में 10 और 11 और 12 फरवरी को G20 समिट होना प्रस्तावित है, जिसको लेकर जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। जो बेसिकली हम स्वागत करें डेलीगेट्स का, वो अच्छे तरीके से कर पाएँ, उसके लिए वृहद स्तर पर तैयारियाँ चल रही है। हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स, जिसमें नगर निगम है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, PWD है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, कैंट बोर्ड है, रेलवे है, एयरपोर्ट्स है, सभी विभिन्न विभाग अपने अपने स्तर पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है इम्प्रूवमेंट तेजी से कर रहे हैं। साथ ही साथ का काम है। हमीरपुर में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह के साथ साथ हमीरपुर जिले के 200 वर्ष पूरे होने पर हर्षोल्लास के साथ 200 से अधिक महिलाओं की बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बताया गया कि महिलाओं के अलावा DMSP ने भी बाइक चलाकर यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। वहीं सड़क सुरक्षा से संबंधित निर्देशों के पोस्टर लगाकर रैली निकाली गई। बता दें कि ADM ने हरी झंडी दिखाकर आम लोगों को जागरूक करने का काम किया है और महिलाओं ने लक्ष्मी बाई पार्क से रैली की शुरुआत करके वन विभाग तक होते हुए वापसी स्टेडियम में समापन किया गया। इस समय पूरे प्रदेश में और विशेष करके हम लोग जनपद हमीरपुर में सड़क सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के संबंध में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए कि सब लोग हेलमेट लगा कर निकलें, दुपहिया वाहन चलाते समय पीछे भी कोई बैठे तो भी हेलमेट लगा कर बैठे, सड़क पर सुरक्षा के नियमों का पालन करें, उसी के क्रम में यहाँ गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड रेल दुहाई डिपो स्टेशन से शाहिदाबाद तक पहली बार 17 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर दौड़ी। इस दौरान इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी, हालांकि अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। जानकारी के मुताबिक फाइनल ट्रायल रन की डेट जल्द घोषित की जाएगी।
गाजियाबाद में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की गई। मारपीट के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ये मामला इंदिरापुरम थाना इलाके के वसुंधरा सेक्टर 3 का है। दरअसल पड़ोसी दुकानदारों में दुकान के सामने कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ। विवाद को लेकर दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में बशरावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत करनावा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक की मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्यवाही में जुट गई है। अभी आप एक डेड बॉडी लेके आए हैं, कौन है वो, कैसे उसकी मौत कुछ बता सकते हैं? वो हमारे गांव का है, भाई जी, है जी। कहाँ के रहने वाले आप लोग? राजस्थान भरतपुर। तो उसकी मौत कैसे हुई? अब पता नहीं, गाड़ी के नीचे पड़ा मिला है। कहाँ पर? कन्नाबा के पास। किस गाड़ी के नीचे? खुद की गाड़ी थी, ट्रैक्टर। हाँ। तो आप लोग वहाँ से यहाँ आए हैं? हाँ। क्या करते हैं यहाँ पर? पैरा काटते हैं। अच्छा, कब आए थे आप लोग यहाँ? मैं दीपावली। अच्छा, और कब तक आप लोग यहाँ रहते हैं? होली पे जाएंगे। होली पे जाएंगे। तो ये आपके साथी हैं, आप ही गांव के रहने वाले? ड्राइवर थे या कुछ और? खुद मालिक ही है। अच्छा, मालिक है वो। कितने ट्रैक्टर इसके पास? अकेला ही है। मामला आया है जिसमें एक व्यक्ति आया है जिसकी डेथ हो चुकी है, क्या मामला है? इसको इसका नाम नवल सिंह लिया, जनपद भरतपुर, राजस्थान प्रदेश का रहने वाले हैं ये लोग। और यहाँ पे लोग कुछ फसल संबंधी कार्य, ट्रैक्टर लेकर के वहाँ से आते हैं, फसल का काम करते हैं। तो इनके दोस्त इंद्रपाल जी जो है इनको लेकर के आए हैं, ये इनको ट्रैक्टर के पास पड़े हुए। मौत कैसे हुई नहीं मालूम, ये नहीं बताया, ये उनके साथी भी नहीं बता पा रहे, लेकिन उसके सर चेहरे पे खून वून लगा हुआ है जी, इसलिए कुछ चोट से ही लगा, मतलब चोट होने की आशंका ही बताई थी। खबर गाजीपुर से है, जहां घर में अकेली महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला का लुहान हालत में घर में शव पड़ा मिला। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के फुल्लनपुर इलाके का बताया जा रहा है। वहीं सेना में कार्यरत सुरेंद्र सिंह की पत्नी सरिता अपनी एक बेटी और बेटे के साथ रहती थी। उनका बेटा और बेटी स्कूल गए थे, महिला घर में अकेली थी। बच्चे जब स्कूल से वापस आए तो अपनी मां का लहू लुहान हालत में शव घर के अंदर पड़ा देखा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रायबरेली जिले में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग करते समय दो युवकों की गोली लग गई है। दोनों गंभीर रूप से घायल भी हो गए। गोली लगते ही शादी समारोह में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर अपने आप को बचाते फिरने लगे। उतनी ही देर में आनन फानन में दोनों को शादी में मौजूद लोग एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर दोनों का इलाज जारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरेठ गाँव का है। रेठ गांव गए थे एक तिलक चढ़ाने, वहां पर हर्ष फायरिंग हुई। हर्ष फायरिंग में दो लोगों को गोली लगी, अभिषेक और धनंजय को। उसके बाद क्या? उसके बाद हम लोग वहां से लेके अपने वाहन से जिला अस्पताल आए रायबरेली इलाज के लिए। पुलिस को दिया आपने? जी हाँ, पुलिस मौके पर पहुंची। हाँ, मौके पर पुलिस पहुंची, हम लोग यहाँ इलाज करा रहे हैं हॉस्पिटल रायबरेली। क्या है ये? दो लोग हमारे यहाँ लाए गए हैं, जिनका नाम अभिषेक यादव है, जिनकी उम्र तकरीबन 25 वर्ष है, तो और धनंजय सिंह जिनकी उम्र तकरीबन 22 वर्ष है। परिजनों द्वारा यहाँ लाया गया है। दोनों के पैरों में चोट लगी है और उनको भर्ती भी किया गया है और सर्जन साहब आकर उनको देख रहे हैं। परिजनों द्वारा बताया गया है कि उनको हर्ष फायरिंग के दौरान शायद गोली भी लगी है। फिरोजाबाद में महिला के धरना प्रदर्शन की कवरेज करने गए पत्रकार के साथ अधिवक्ता ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर दी। इस घटना के विरोध में टुंडला प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने डीएम के संबोधित ज्ञापन एसडीएम सत्येंद्र सिंह को सौंपा है। ये मामला थाना उत्तर क्षेत्र के टापा पैठ मंगलम धर्म कांटे वाली गली में रहने वाले वकील अरुण कुमार शर्मा के घर उसकी क्लाइंट धरना दे रही थी। मैं मत जाऊं, जाता नहीं हूं।
पूरा क्या मामला है? इसका मामला यह था, मेरा मुकदमा चल रहा था एक साल से, तो इन्होंने पहले नहीं मना किया था, मैं तुम्हारे मुकदमा नहीं लड़ूं। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।